हेलो एंड वेलकम गाइस, इज अ मनीष एंड यू आर सी माय स्टडी दोस्त। स्वागत है आप सभी का माय स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, आज यहाँ पे हम कुछ अलग सी कुछ बात करने वाले हैं। गाइस, बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ कॉल्स भी मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। उसमें गाइस यहाँ पे कैंडिडेट ये बता रहे हैं कि सर, हमें कुछ सोर्सेज से ये पता चल रहा है कि SSC का, सॉरी, जो आपका एयरफोर्स का एक्स और वाई ग्रुप का जो एग्ज़ाम होगा उसका पैटर्न चेंज हो गया। बोल रहे हैं कि उसमें 100 क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या पैटर्न सच में चेंज हुआ है या नहीं। तो आप बने रहिए हमारे साथ और लास्ट तक वीडियो देखते रहिए, आप सभी को सब कुछ चीज़ें पता चल जाएंगे। तो गाइस देखिए, किसी पे आप विश्वास मत कीजिए, चाहे तो आप मुझ पे भी विश्वास मत कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आपकी एयरमैन सिलेक्शन की जो वेबसाइट है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये सेम आपको टाइप करना है या आपको ऑफिशियल साइट पता होगी, तो आप वहाँ पर डायरेक्टली जाइए। और वहाँ पर आप क्या कीजिए, सबसे पहले मेन्यू बटन पर आप वहाँ पर प्रेस कीजिए। तो मेन्यू बटन जैसे मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो आपके सामने इस प्रकार से साइट ओपन होगी। आप उसके बाद में यहाँ पे देखिए कैंडिडेट टैब में जाइए, ये वाली जो टैब है आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। कैंडिडेट टैब में आप जैसे ही यहाँ पे जाएंगे तो आपके पास में नया पेज ओपन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मेरा कैंडिडेट टैब है, तो इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपका कैंडिडेट टैब ओपन हो जाता है। उसके बाद गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक सेक्शन मिलेगा जिसमें आपको यहाँ पे दिखेगा सिलेबस एंड मॉडल क्वेश्चन पेपर। सो गाइस इसमें आपको एग्जैक्ट पैटर्न दिया गया है, सिलेबस दिया गया है, साथ ही साथ कैसे पैटर्न होगा, तो आप इस पर क्लिक कीजिए। जैसे मैं इसे क्लिक करता हूँ नया टैब आपके सामने ओपन होगा। उसके बाद गाइस आप सबसे पहले चेक कर सकते हैं इंग्लिश में, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और आगा। देखिए सबसे पहले आपको बता दूँ कि इंग्लिश तो आप सभी लोगों के लिए एक्स और वाई दोनों के लिए कॉमन है। अगर आप सिर्फ फाइव के लिए अप्लाई करते हो तो आपका इंग्लिश और आगा आएगा। उसके बाद अगर आप एक्स वाई बोथ के लिए अप्लाई करते हो तो आपके सारे सब्जेक्ट आपको पेपर देने होंगे। उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप सभी में क्वालिफाई हो। अगर आप वाई का कंप्लीट कर देते हो तो वाई में, अगर एक्स का करते हो तो एक्स में, अगर दोनों का करते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप दोनों में क्वालिफाई हो जाओगे। ओके गाइज, उसके बाद अगर आप एक्स के लिए सिर्फ ओनली क्वालिफाई करते हो तो आपको इंग्लिश, मैथमेटिक्स और फिजिक्स करना होगा। तो ठीक है, आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इंग्लिश के लिए, आप चाहें तो PDF डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। ठीक है, मेरे पास अवेलेबल है पहले से, तो मैं आपको सिर्फ सिलेबस दिखा देता हूँ। तो ये सिलेबस है आपका, जो भी है आप पढ़ लीजिएगा, उसमें मैं पहले भी आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। उसके बाद गाइज यहाँ पे देखिए सिलेबस हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस देखिए, तो क्वेश्चंस कितने हैं यहाँ पे, सिर्फ 20 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो आपको कोई कितने बता रहा है, 25 बता रहा है कि फिर से चेंज हो गया, तो किसी पे विश्वास मत कीजिए। आप यहाँ पे आइए और देखिए, यहाँ पे 20 क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आप नेक्स्ट सेक्शन आपका जो है मैथमेटिक्स का है, इस पर आप टैप कीजिए। जैसे आप यहाँ पे टैप करेंगे तो आपके पास में नेक्स्ट सेक्शन खुल जाएगा, इसका PDF भी आप ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए, इसका सारा सिलेबस यहाँ पे आपको अवेलेबल है। ठीक है, तो सिलेबस हो गया। उसके बाद जैसे यहाँ पे एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। यहाँ पे आपको दिए गए हैं पूरे 30 क्वेश्चन, सॉरी 25 क्वेश्चन, ये रागा का नहीं है, मैथ का है। 25 क्वेश्चन ये हो गए, यानी कि 20 इंग्लिश के हो गए, 25 इसके हो गए। अब नेक्स्ट सेक्शन आपका फिजिक्स का, तो फिजिक्स पे आप टाइप कीजिए। तो यहाँ पे देखिए फिजिक्स आ गया, इसके सभी टॉपिक्स यहाँ पे आपके गए हैं। तो गाइज पुरानी वेबसाइट पे आप ना जाएं, इस नई वेबसाइट जो है इसी पे चेक कीजिएगा। उसके बाद फिजिक्स में भी आपको नया प्रैक्टिस पेपर यहाँ पे देखिए, इस पे क्वेश्चन देखते हैं कितने क्वेश्चन यहाँ पे इसमें दिए गए हैं। तो यहाँ पे गाइज देखिए, ये इसमें भी 25 क्वेश्चन हैं। अगर मतलब एक्स का हमारा कंप्लीट हो गया, इनकी 20 इंग्लिश, 25 मैथ और 25 ही फिजिक्स का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल आपके 70 क्वेश्चन होंगे, 1 घंटे का आपका टाइम होगा। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ एक्स के लिए अप्लाई करते हो तो ये चीज़ें आपके लिए अप्लाई होंगे। उसके बाद अगर आप वाई के लिए करते हो तो 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के हो चुके हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं नेक्स्ट जो आपका रागा का है, तो रागा का मैं यहाँ पे चेक करता हूँ। ये आपके पास सिलेबस है, कुछ मैथमेटिक्स है, जो रीजनिंग का है, जो सबसे बड़ा पार्ट इसमें रीजनिंग का है। इससे आप क्वेश्चंस भी एनालिसिस कर सकते हैं यहाँ पे देख के, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और साथ ही साथ कितने क्वेश्चन किस पोर्शन से पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिए गए हैं। तो यानी कि अगर आप वाई के लिए अप्लाई करते हैं तो 20 इंग्लिश प्लस 30, यानी कि सिर्फ 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गाइज मेरे पास कॉल ही इस बात के लिए आया था कि इसके लिए 100 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे वाई ग्रुप के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन, और इसके लिए आपको टाइम मिलेगा 45 मिनट का। ठीक है, अगर आप एक्स वाई बोथ के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके सारे उस सेक्शन यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं, उसमें आपको पूरे 100 क्वेश्चन मिलेंगे। वो 100 क्वेश्चन इस प्रकार से होंगे, 20 इंग्लिश जो आपका दोनों के लिए कॉमन होगा एक्स और वाई के लिए, 25 फिजिक्स होगा, 25 मैथ के लिए होगा और 30 आपका रागा के लिए होगा। तो ये पूरे 100 क्वेश्चन इस प्रकार से डिवाइडेड है, उसमें आपको टाइम मिलेगा 85 मिनट का। आप जैसे भी चाहें कंप्लीट कर सकते हैं, एक्स का वाई का दोनों का, बोथ के करते हैं तो बोथ में सेलेक्ट होंगे, अगर आप एक्स का करते हैं तो एक्स के लिए आपका आगे फेज 2 के लिए एडमिट कार्ड आएगा, और वाई के लिए करते हैं तो वाई का एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा।
अभी आपका फेज वन का भी एडमिट कार्ड नहीं आया है, जैसे ही आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा जो भी नई सूचना होगी। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, आई होप कि आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी, क्योंकि बहुत से लोगों की प्रॉब्लम हो रही थी सिलेबस से इससे रिलेटेड। तो आप जाइए ऑफिशियल वेबसाइट, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑलमोस्ट शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड, एंड इफ़ यू हैव एनी क्यूरी आफ्टर दिस यू कैन ऑल्सो कमेंट मी, आई विल 100% रिप्लाई यू विद इन 24 आवर्स। ओके गाइज, और जो लोग नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। थैंक यू सो मच, सी यू सोन।